ओम शांत। आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा कुमारी को मानने वाले कुछ बहुत सुखी हैं तो कुछ बहुत दुखी, क्यों सुखी हैं तो क्यों दुखी हैं तो क्यों? तो मैंने आपका प्रश्न देखा तो सबसे पहली बात आपकी नजर उनकी माली हालत पर थी कि उनके पास इतने साधन इतनी सुविधाएं हैं, उनको कोई दुख ही नहीं है। गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, जो भी साधन है, जो भी सुविधाएं आज की समाज की हैं, उनके पास सब अवेलेबल है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। इसका कारण क्या है? हमें क्यों वो सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? उनको सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारे पास आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि हम साधन सुविधाएं जुटाने में असमर्थ हैं। ये प्रॉब्लम्स, ये समस्या हमारी पहली बात मेरी दृष्टि की है। जिनके पास बहुत सारे साधन है, बहुत सारे धन संपदा है, बहुत सारे सुविधाओं के सब साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं या नहीं आते हैं, यदि उन्हें संतुष्टता नहीं हुई है तो दुखी है। यदि ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद भी उनमें संतोष नहीं आया है तो वो आकर के भी दुखी है। संतोषी सदा सुखी है। इसलिए परमपिता परमात्मा हमें समझाते, मेरे पास जीवन में पहली बार एक अजीब फोन आया था, कौन थे क्या थे मैं नहीं जानता, उन्होंने पूछा मेरे से कि हमने आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैं क्या पूछूं? कहते कि हमारे पास आर्थिक अभाव है, साधनों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, कोरोना का काल है, उसके बाद भी हम बड़े खुश हैं, क्यों? ये वंडरफुल बात है। आज तक मेरे पास जितने फोन आते हैं सारे कहते हैं हम दुखी हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, क्यों है, हम कैसे उस प्रॉब्लम से निकले? आप पहले हो, आप खुश हो और कुछ मेरे से रहे हो, मैं आपकी खुशी का कारण मैं बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मुझे बताओ। कहते नहीं, ये तो आपको ही बताना है। अब मैंने कभी, क्या आप कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं? कहते हाँ। मैंने, जब आपको भगवान मिल गया और भगवान ने ये सिखा दिया कि हर हाल में खुश रहना है, हर बात में कल्याण है, अब वो बात आपको समझ में आ गई है? कहते हाँ भाई जी, बिल्कुल ठीक। जिसको ये बात समझ में आ गई है, हर बात में कल्याण है, उसे दुख हो नहीं सकता। जिसे भगवान मिल गया हो उसे दुख हो नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद भी
जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया, जिस ईश्वर को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो आकर पढ़ा रहा है। सारा जीवन है, सारी कब से, जब से हम इस धरती पर आए, दुख हमारे जीवन में आए, द्वापर से हम उस भगवान को बुला रहे हैं कि हे प्रभु आओ, हे दुख हरता सुख हरता आओ। बुला रहे, अब वो आया है, कहते तुमने मुझे बुलाया, पतित पावन आओ, मैं तुम्हें पतित से पावन बना रहा हूं, फिर तुम पावन बनते क्यों नहीं हो, मेरा कहना मानते क्यों नहीं हो, दुखों से मुक्त क्यों नहीं होते हो जाओ ना, किसने रोका है, किसी ने रोका है क्या? कोई भी दुखी या सुखी होगा यदि वो परमात्मा के ज्ञान को समझ गया है, हर बात में कल्याण है, खाने के लिए प्लेन रोटी मिल गई है, बिना तड़के वाली सब्जी या दाल मिल गई है, बहुत है, मिल गया ना, वो पूड़ियां तो बीमार कर सकती हैं, परंतु ये सादी रोटी सादी सब्जी आपको बीमार नहीं करेगी। ओवर ईटिंग कर लिया है आपने, फालतू खा लिया है, आप मर सकते हैं, पर तो कम खा के कोई नहीं मरा। संसार की इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण, संसार की सुविधाएं ही हमारे, उनकी इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप सुखी हो सकते। जो संतुष्ट है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज में है, चाहे कहीं है, वो सुखी है। और जो अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज में 50 साल से है, उसके दुख का कोई अंत नहीं कर सकता, अंत नहीं हो सकता। जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझा, उसे कौन सुखी बनाएगा, कोई सुखी नहीं बना सकता। ओके, और सुखी बनना चाहते हो, ईश्वरीय ज्ञान को समझना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 डेज कोर्स के लिए लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस को अलग अलग बांट करके दिए गए हैं, जिनमें आप हमारा 7 डेज कोर्स कर सकते हैं। वो वीडियोस में आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर ही उनको समझाया गया है। तो आपसे जो भी प्रश्न आपको लगे कि मुझे इसका देखना चाहिए, आप उस वीडियो को देखिए, जानिए, और आपके जैसे जैसे समझ में आता जाएगा कि हम आत्माएं कहां से आई हैं, कहां जाना है, क्यों आई हैं, क्या करती हैं, परमात्मा क्या है, कैसे करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे हम उसे मिल सकते हैं, क्या परमात्मा हमें प्राप्त हो सकता है, परमात्मा प्राप्त होने की विधि क्या है, परमात्मा हमें क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, इन सब बातों को जब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ये संसार का चक्र कैसे चलता है, कैसे सतयुग आता है, कैसे त्रेता आता है, द्वापर कलयुग, फिर कैसे सतयुग बनता है, नर्क से स्वर्ग कैसे बनता है, स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है, इन सारी विधियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे बड़े वीडियोस बने हुए हैं। आप आराम से उन्हें देखें, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो
आप जरूर वो प्रश्न इस नंबर पर 9213106986 पर व्हाट्सएप करेंगे। जब आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे तो आप प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। जब तक आपके चित्त में प्रश्न रहेंगे आप प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। या आप नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ओम।